सो गाइज, मेरी मम्मी की फेवरेट कुजीन इज साउथ इंडियन कुजीन। और जब भी हम साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनका पेट ऑर्डर हमेशा वो ही ऑर्डर करना है उन्होंने, दैट इज रवा अनियन मसाला डोसा। तो आज उनके लिए और आप सबके लिए हम बनाने जा रहे हैं रवा अनियन मसाला डोसा। तो शुरू करते हैं इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हाल चाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हम बनाने जा रहे हैं रवा अनियन मसाला डोसा। अब रवा अनियन मसाला डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए रवा उर्फ सूजी। तो ये रवा एक बाउल में डाल लेंगे। अब बेसिकली सूजी का एक पतला सा बैटर बनेगा, तो अगर पतला सा बैटर होगा तो उसके अंदर बाइंडिंग नहीं आएगी, तो बाइंडिंग के लिए चावल का आटा प्लस मैदा डाला जाएगा। ये हम थोड़ा सा मैदा डाल रहे हैं। प्रोपोर्शन बहुत सिंपल है, अगर एक कप सूजी है तो आधा कप चावल का आटा और आधा कप मैदा। मैदा डाल चुके हैं, चावल का आटा डाल लेते हैं। अब तीनों चीजें डालने के बाद इसमें थोड़ी सी दही, दही ऑप्शनल है, डालना चाहे डाल सकते हैं। अब इसमें सॉल्ट डाल लेंगे। बैटर बनेगा बहुत ही पतला, ढेर सारा पानी जाएगा, पर हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि एक लंप फ्री बैटर बन जाए। उसके बाद ढेर सारा पानी डाल के घोल बना लेंगे, बैटर बना लेंगे। ये हमारा बैटर तैयार है, और बैटर बिल्कुल पतला होना चाहिए। देखो फ्री फ्लोइंग टाइप में, देखो पानी जैसा बैटर है, ये हल्का सा कोट कर रहा है चम्मच को, वैसे बिल्कुल पतला है, बिल्कुल पतला रखना है। अब इसको 20 मिनट की रेस्ट देनी है, फर्मेंटेशन की जरूरत नहीं है, बस 20 मिनट की रेस्ट में सूजी ब्लूम हो जाएगी। इस बैटर की खासियत यही है कि इसको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, सिर्फ घोलो और उसके बाद आप बना लो। अब इसमें क्या होगा कि सूजी ब्लूम होगी, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, और उसके बाद इसके अंदर थोड़े से फ्लेवर्स डाले जाएंगे और बना लिया जाएगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। इसको रखते हैं साइड में और आलू का मसाला बनाते हैं। आलू का मसाला बनाने के लिए कढ़ाई गरम और उसमें ऑयल। अब जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, हम टेम्परिंग की तैयारी कर लेंगे। टेम्परिंग के लिए एक मेन रूल हमेशा बताता हूँ, आप याद रख लीजिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेवर सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हींग, साथ ही राई और जीरा। अब देखिए हींग डाल दिए और सीड्स भी डाल दिए, क्यूमन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स, साथ ही चना दाल डाल देंगे और काजू डाल देंगे। काजू बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। अब इनको स्लो आंच पे पकाना है। जैसे काजू और दाल हल्के हल्के ब्राउन होने लगे ना, इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर एंड ग्रीन चिली। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट पेस्ट में क्या होता है ना, जिंजर फूलने लगता है और फिर वो नीचे लगने लगता है, सारा तेल पी जाता है और वो स्वाद भी नहीं आता है, इसीलिए जिंजर फाइनली चॉप करके, साथ ही थोड़े से कड़ी पत्ते। जिंजर एंड ग्रीन चिली पकते ही इसमें स्लाइस्ड अनियन डाल देंगे, स्लाइस्ड अनियन के साथ ही थोड़ा सा सॉल्ट ताकि उसकी कुकिंग तेज हो जाए। अनियन डालने से एक और फायदा है कि हर चीज की कुकिंग रुक जाएगी। देखिए इस स्टेज तक प्याज को पकाना है, हल्के से ट्रांसलूसेंट, हल्के से कच्चे पक्के टाइप। मेरे लिए प्याज का क्रंच आना बहुत जरूरी है, अगर आपको प्याज का क्रंच नहीं पसंद तो हल्का सा और पका सकते हैं। मेरे लिए दिस इज दी स्टेज जिस टाइम पे हम मसाले डालेंगे। तो मसालों में हम हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे। मसाले डालने के बाद हल्का सा उनको पका लेंगे, और जैसे ही मसाले पकने की खुशबू आने लग जाए ना, हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने से एक तो मसाले की कुकिंग रुक जाएगी, सेकेंडली जो कंसिस्टेंसी आएगी पानी डालने की वजह से वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हल्का सा पानी। अब पानी को बॉयल कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर इसमें डालेंगे आलू, आलू के साथ ही सॉल्ट। अब आलू को मैश कर लेंगे। अब ये आलू के मिक्स की कंसिस्टेंसी बेसिकली ऐसा होना चाहिए, टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि आलू पूरा मैशी मैशी हो और ये जो स्प्रेड बन रहा है वो अच्छी तरह फैल जाए, इस तरह का आपका टेक्सचर होना चाहिए। अब इसमें धनिया और लेमन जूस डाल के इसको फिनिश करेंगे।
अब ये आलू का मिक्स डन है, इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। जितनी देर में हमारा आलू का मिक्स तैयार हुआ है उतनी देर में हमारे बैटर की रेस्ट पूरी हो चुकी है। अब इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट डालेंगे। सबसे पहले करी पत्ता, ये करी पत्ता को हमने फाइनली चॉप कर रखा है, साथ ही ढेर सारा धनिया एंड थोड़ी सी ग्रीन चिली। अब इसको देंगे मिक्स और आपका बैटर तैयार है। अब सूजी का बैटर डन है और मसाला भी डन है। अब सिंस रवा अनियन मसाला डोसा है तो थोड़ा सा मैंने अनियन फाइनली चॉप कर रखा था, इसको डालेंगे पहले तवे पे। अब वैसे तो यूजुअली बैटर हाथ की मदद से डाला जाता है, बट मुझे पता है नीचे बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे कि अनहेल्दी है, हाथ यूज कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज्ड है कि नहीं, इसीलिए हम चम्मच से डालेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर फैला लेना है। रवा डोसा का ये जो जालीदार टेक्सचर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से इसको जरूर ध्यान में रखना। जैसे ये ब्राउन टेक्सचर बीच में आने लग जाए, इसके ऊपर मसाला फैला देंगे। आलू के मसाले में ना पानी डालने का यही रीजन था कि वो अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए। अब इसको फ्लिप कर लेंगे ऐसे फोल्ड करके। और ये रवा अनियन मसाला डोसा डन है। इसको सर्व करते हैं विद सांबर एंड चटनी और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, रवा अनियन मसाला डोसा तैयार है। रेसिपी आपके पेशे खिदमत है, मम्मी की फेवरेट डिश हम पेश करने जा रहे हैं। आप जल्दी जल्दी बनाओ घर वालों के लिए और मेहमानों के लिए। उसके बाद फोटो इंस्टाग्राम पे डालना मत भूलिएगा। आई एम 100% श्योर ये रेसिपी खा के ना हर कोई बोलने वाला है, वाह क्या स्वाद है। आई नो दिस इज अ रेफरेंस फ्रॉम समथिंग एल्स, बट यू नीड टू एंजॉय इट ना। अब थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।